हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। और ये है इंटरनेट कैफे का भाई दूसरा एक और नया एपिसोड, नॉट की दूसरा। और भाई फिलहाल हम अपने कैफे पे गए थे, लेकिन हम उस भिखारी को ढूंढ रहे, क्योंकि भाई वो जो भिखारी था ना, उसने हमसे कॉन्ट्रैक्ट लिया था कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसे पैसे लिए थे कि उसे 1500 रुपये चाहिए एक बॉम्ब प्लांट करने के लिए। तो भाई वो रहा भिखारी, हम उसके पास में चलते हैं, क्योंकि यार भाई वो हमारे राइवल जो जितने भी कैफेज हैं वो उन पे वहां पे जाके अटैक करेगा। तो भाई हमने इसको दे देते हैं, ये दिए हमने भाई को 1500 रुपये, और भाई इसने यहाँ पे बम लगा रखा है। ओ भाई साहब, भाई ये सीन एपिक था भाई, इसने वहां पे बम लगा रखा था और भाई इसने बॉम्बर भेजा और सब ब्लास्ट हो गया। तो भाई फिलहाल हमने कैफे को उड़ा दिया है, तो अभी हम अपना चुपचाप चलते हैं अपने वाले कैफे में, इसको करते हैं स्टार्ट, ताकि भाई कोई भी बकचोदी ना हो। अभी हम फिलहाल जा रहे हैं एक दूसरी जगह जहाँ से हमें भाई कुछ चीजें खरीदनी थी, तो बाद में खरीदेंगे, लेकिन पहले भाई ये देख के आते हैं उस कैफे का क्या हाल हुआ होगा। भाई ये चल के देखते हैं सबसे पहले, कुछ और हम बाद में देखेंगे, लेकिन उस कैफे का देख के आएंगे भाई क्या हाल हुआ है उस कैफे का साला, जो हमारा जो राइवल था ये बंदा। तो चलो भाई यहाँ से आ गए हम कैफे पे, और भाई ये रहा भाई साहब, यहाँ का हाल बहुत ज्यादा बुरा हो गया, और कुछ थोड़ा बहुत नहीं यार, कुछ ज्यादा ही बुरा हो गया। मतलब हमने यार बंदे के ऊपर रहन से ज्यादा तो काफी हिसाब किताब कर दिया। अभी साला बॉम्बर नहीं भेजेगा भाई, ये बॉम्बर भेज रहा था यार हमें, इस बंदे ने बहुत बॉम्बर भेजे हैं। इसी बंदे की वजह से भाई वो चोरियां, वो बॉम्बर, वो जितने भी थे ना भाई, वो इसी ही रीजन की वजह से कर रहे। तो अब हम भाई अपना कैफे पे चलते हैं यहाँ से फटाफट से भाग के, और बाकी काम भाई अपना कैफे पे करेंगे जाके आज। तो चलो यार यहाँ से निकलते हैं फटाफट से। चलो जी, चलो 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 जी, चलो 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 बाकी, चलो भाग के चलते हैं भाई। क्योंकि देखो यार, अभी हम अपने कैफे पे जाएंगे, अपना खोलेंगे, उसको देखेंगे भाई क्या काम धंधा करना है आज। भाई सोच रहा हूँ कुछ ना उसके अंदर अपग्रेडेशन कर दूँ थोड़े बहुत से। यहाँ पे भी मैं कुछ डोर वो डिफरेंट टाइप का डोर लगाने की सोच रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी को करते हैं भाई ऑन, क्योंकि अभी लाइट ऑफ है तो हम कर नहीं सकते। ये साला सुबह सुबह आ गए, इधर आ, इधर आ, इधर आ, साढ़े इधर आ, बहन को नमन। साला ये बार बार आ जाता है यार, ये बंदा काफी दुखी करके रखता है, इस बंदे ने खून पी रखा है यार। मतलब ये बंदा आता है बार बार, साला सामान उठा के भाग जाता है। वैसे अब जहां तक है मुश्किल, अब ये भाई कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने अपने राइवल का जो कैफे है भाई वो उड़ा दिया है, और वो सबसे ज्यादा जरूरी था हमारे लिए। अभी भाई हमारे पास में कुल $932 तो रुपए हैं इसके अंदर। हम भाई यहाँ से चलते हैं, अपना बिल बिल देख लेते हैं, कुछ बिल है क्या। उसके बाद भाई हम अपना क्रिप्टो का देखेंगे कि हमारा क्रिप्टो का बैलेंस कितना हो रखा है फिलहाल, और उसके बाद हम कुछ चीजें भाई यहाँ से भी खरीदेंगे, लेकिन हो सकता है यहाँ से हम बाद में खरीदें, लेकिन फिलहाल क्रिप्टो चेक कर लेते हैं भाई हम अपनी। यार क्योंकि यार मैंने क्रिप्टो काफी अच्छे से कर रखे भाई, मेरा 1 पे अमाउंट हो रखा है, मतलब हो रखे होंगे भाई $3000 हो रखे हैं भाई। मैं इनको सेल आउट कर देता हूँ ताकि मेरे पास में थोड़े पैसे आ जाए। तो चलो भाई अब देखते हैं हम इन पैसों से क्या क्या कर सकते हैं। अभी हम एक काम करें यार, मैं सोच रहा हूँ यार कुछ चीजें ना यहाँ तो ऑर्डर कर लूँ, या फिर यहाँ पे ना कुछ चीजें अपग्रेड कर देता हूँ। थोड़ा स्पेस खरीद लो यार, अभी किचन का नहीं, अभी फिलहाल हम स्पेस ही खरीद लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ठीक है भाई, हमने थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस खरीदा है, थोड़े बहुत हम आइटम अभी कर नहीं सकते, अदरवाइज हम करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं गेट लगा देता हूँ भाई यहाँ पे। तो फिलहाल मैंने ये दो चीजें तो कर दी, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर कर दिया है, जब भी कोई आएगा जाएगा तो ये खुलेगा ऑटोमेटिकली। और भाई मैंने स्पेस खोल दिया है, काफी अच्छा खासा स्पेस खोल दिया यार मैंने, देख रहे हो मैंने थोड़ा बहुत स्पेस नहीं किया भाई, बहुत ज्यादा स्पेस खोला है फिलहाल, ताकि यहाँ पे मेरे इसमें जो कस्टमर आए ना भाई, और भी यहाँ चीजें मैं ऐड ऑन करूँ उसी रीजन की वजह से। तो अभी कुछ खर्चा करके 1200 कुछ भाई कितने हुए मेरे, 2000 रुपये मेरे ऑलमोस्ट खर्च हो चुके हैं, तो अभी 2000 रुपये बचे हैं मेरे पास में जो बचे हैं। अभी मैं ये देख रहा हूँ भाई मैं इन सेटअप को कैसे कैसे करूँ। वैसे डोर काफी अच्छा लग रहा है, अभी जहाँ तक भाई इसमें चोरी डकैती थोड़ी कम हो जाएंगी, बहुत ज्यादा अच्छी बात रहेगी। तो मैं फटाफट से भाई सिस्टम पे बैठता हूँ, कुछ चीजें और देखूँ क्या। वैसे देखता हूँ अपना भाई कैफे को, अब हम करेंगे रिन्यू, ये $254 की है, इसको मैं बाद में खरीदूंगा, $294 की। अभी उठते हैं और भाई अपना कैफे को करेंगे बाद में ऑन, जस्ट बिकॉज अभी मैं जो सिस्टम मैंने अभी बीच में पड़े हुए हैं ना, उनको उधर लगा दूँ कॉर्नर में सबसे पहले। तो भाई इनको नीचे उतार के रख देता हूँ फटाफट से। तो ये लो भाई, मैंने यहाँ पे फिलहाल पूरा का पूरा सेटअप बैठा दिया है, अभी सिर्फ मेरी ये दो मशीनें बची हैं, इनका और सेटअप सा रख दूँ ना तो थोड़ी मुझे तसल्ली हो जाएगी। ये मेरी बिटकॉइन की मशीन है भाई, इसको सबसे कॉर्नर में इसलिए रखूंगा भाई वो दोबारा से चोरी ना कर ले साला डकैत कहीं का। अभी ठीक है भाई, वर्किंग तो है, ये मैं सोच रहा था कभी वर्किंग ना हो, ये भी तो हो सकता है ना भाई। और इसको भी भाई बाहर पर रख देता हूँ, इसको भी हम चेक करेंगे भाई ये भी वर्किंग है या नहीं है, मतलब कि काम कर रही है नहीं कर रही है।
ओके भाई ये भी अपना प्रॉपर वर्क कर रही है, तो एक काम करता हूँ भाई, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी चीज़ों को और अपग्रेड करने के बारे में। पहले लाइटों को भाई उसके ऊपर लगा देता हूँ, क्योंकि यार लाइटों का इसी के ऊपर होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मुझे कुछ और भी लाइट खरीदने, मैं सोच रहा हूँ कुछ और लाइट भी खरीद लूँ, ताकि ना बेनिफिट हो जाए थोड़ा सा काम को लेके। अभी तो चलो देख लेंगे यार वो चीज़ें, बट फिलहाल मैं लाइटें ऑन कर देता हूँ चल के आगे से अपने गेट के पास से, अभी लाइट ऑन कर देता हूँ। उसके बाद भाई हमें किचन है, हॉट डॉग मशीन है, यहाँ का स्पेस एरिया है, ऊपर का एरिया है, हमें बहुत चीज़ें परचेज करनी है यार, और बहुत चीज़ें जलानी है। एसी वीसी हमारी कंप्लीट काम करे भाई प्रॉपर। तो अभी भाई एक काम कर लेता हूँ, मैं थोड़ी सी चीज़ें सोच रहा हूँ और खरीद लूँ, लेकिन इसमें से नहीं खरीदूंगा, क्योंकि अभी हॉट डॉग कार्ट भाई काफ़ी महंगे, इतना पैसा मेरे पास है बट मैं इसको खर्च नहीं करूँगा। मैं सोच रहा हूँ पैसा कमाने के लिए थोड़ा सा चीजें और कर लूँ। और भाई नेक्स्ट एपिसोड में मैं सोच रहा हूँ एक दो मशीन और वो रख दूँ, उसकी क्या कहते हैं, ओ क्या नाम है भाई इसका, ये यार जो माइनिंग की मशीन है ना, मैं सोच रहा हूँ एक दो और रख दूँ नेक्स्ट एपिसोड में, थोड़ा बेटर फील होगा उससे, क्योंकि अभी मेरा ना और पैसा बनेगा, क्योंकि उसी की वजह से ही मेरा $3,000 काफी जल्दी हो गया कंप्लीट। तो अभी कैफे को ऑन करने से पहले मैं सोच रहा हूँ भाई इसमें ना, मैं सोच रहा हूँ एक आध यार सोच रहा हूँ इस बार गेमिंग मशीन रख दूँ, ये जो गेमिंग बड़ी बड़ी मशीन नहीं होती, कॉइन वाली आती थी, टोकन वाली, वो रख दो। और भाई ये पीओएस डिवाइस के बारे में हम भी देखेंगे, वेंडिंग मशीन भी लगाएंगे हम, टॉयलेट भी लगाएंगे यहाँ पे, तो हम बहुत कुछ करने वाले हैं भाई। स्पीकर स्पीकर यहाँ पे देख रहा हूँ, क्या सिस्टम बैठाएंगे। और भाई मैंने काफ़ी अच्छे से हिसाब किताब दे रखा है, फिलहाल तो देख लेते हैं भाई क्या करें अभी। तो भाई मैं फिलहाल ना तो यहाँ से सोच रहा हूँ कुछ खरीद लूँ, वैसे मैंने कंप्यूटर केस तो ये वाला खरीदूंगा, ठीक है अभी मैं इसको एड टू कार्ट कर लेता हूँ, बाकी देखता हूँ यार मैं इसको खरीदूँ ना खरीदूँ, अगर पैसे के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यार मैं इसको खरीदूंगा तो बहुत सारी चीज़ें इसके साथ में मुझे खरीदनी पड़ेगी। तो मैं सोच रहा हूँ यार ये आर्केड मशीन खरीद लेता हूँ, ताकि ये ना मेरा पैसा बनाए। अभी मैंने भाई इसी को डाल लेता हूँ इसी के अंदर, ये 1400 रुपये की है, तो यार इस बात से ये तो प्रॉफिट हो जाएगा कि भाई मुझे ना इससे थोड़ा पैसा बन जाएगा, अगर मैं इससे करूँगा ना काम को पैसा बन जाएगा इससे। तो भाई मैं इसको खरीद ही लेता हूँ, करता हूँ इसको ऐड टू कार्ट में, और उसके बाद भाई मैं करता हूँ आराम से इसको पेमेंट पे। तो पेमेंट करने के लिए यार देखो अभी मेरे ऑर्डर तो खैर है नहीं, कुछ भी तो गलती से हो गया। अभी मैं भाई इसमें से बॉक्स को काट देता हूँ और भाई इसको प्लेस कर देता हूँ ऑर्डर को यहाँ से। ओके तो भाई हमें इसे प्लेस करने के लिए जाना होगा बकेट के अंदर और प्लेस ऑर्डर। भाई अभी हमारा ऊंट आएगा भगा भगा, तो भाई ये आग बहुत लग रही है यार इनमें, इन सिस्टम में सालों में आग बहुत लग रही है, ये वाले यार पुरानी सिस्टम है कुछ ज़्यादा, इसलिए मैं ना अभी इनको रखूंगा नहीं। और मुझे एक बड़ा बैकपैक भी रखना होगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ भाई अपना एक माइनिंग का सेटअप भी बैठा दूँ थोड़ा सा, क्योंकि वो और पैसा कमाएगा। और नेक्स्ट एपिसोड में भाई हम कुछ ऐसा ही करेंगे, आग बुझ गई है यहाँ की, और अभी भाई हमारा ऊँट भी खैर आने वाला होगा, जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ हमारा ऊँट भी आ जाएगा अभी। चलो भाई हम चलते हैं बाहर, वो गया भाई हमारा ऊँट, देख रहे हो कितनी स्पीड में गया निकल के। तो भाई ये रही मेरी गेमिंग की मशीन, इसको उठा लेते हैं और इसको रख देते हैं। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि इस गेमिंग मशीन की वजह से मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। तो भाई मैं इसको कर देता हूँ सेटअप ए यहाँ पे दीवार से थोड़ा सा हटा के बस। तो भाई अभी जो बंदा आएगा, मुझे इसका भी खैर प्राइसिंग पता नहीं है कितने रुपए का प्राइस है इसका, मतलब कि जैसे हम इसको खेलेंगे, और इसमें भाई कुछ इसका नाम का कोई स्लोट नहीं होता, आई थिंक भाई इसमें कॉइन डालो या पैसा डालो वो उसी हिसाब से ही वो ऑटोमेटिकली चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम भाई यहाँ से अपना एक और मशीन को करेंगे, लेकिन उसके लिए भी भाई पैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सोच रहा हूँ ना यार दो मशीन अगर हो जाएंगी ना तो काफ़ी मस्त लगेंगी, जब तक यार मैं कुछ और अपग्रेड तो कर नहीं सकता हूँ, तो जब तक भाई कस्टमर्स का वेट कर लेता हूँ। भाई कस्टमर आएंगे यहाँ पे खेलेंगे और वो हमें भाई काफ़ी अच्छा खासा पैसा देंगे। लो भाई एक कस्टमर आ गया हमारा, तो भाई अगर यही इन जैसे कस्टमर भाई ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे ना तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वैसे वो बंदा कहाँ बैठा है भाई, जाके उसने रिक्वेस्ट डाल दी। हाँ भाई डाल दी उसने रिक्वेस्ट, एक और आया भाई, ये कर दिया मैंने इसकी 30 मिनट की अप्रूव। भाई तीन आ गए, एक बंदा इनमें से डेफिनेटली उस आर्केड मशीन के ऊपर जाएगा, वो लेडी जाए जेंट्स जाए जो भी है। तो भाई एक बंदे ने लिमिटलेस दिया, भाई लिमिटलेस वाले बंदे आते हैं ना काफी पैसा देते हैं अगर ये भागे ना कर ले। वो भाई उस आर्केड मशीन का ₹120 है। ओके ओके ओके, तो मतलब जो वो लेडी खेल रही है उसके वो आर्केड मशीन पे भाई वो काफी अच्छा खासा हिसाब किताब है यार। ये बंदा देख रहा, ये बंदा देख रहा, अरे
तेरी बहन का नमन इधर है, इधर आ, इधर आ भाई, से दूर रख जाते हैं फिलहाल, और इसको एक और देते हैं यार, पीछे हट जाते हैं ताकि ये जब मारे ना तब हमें मौका मिल जाए। तो भाई इसने मार दिया यार, फेल दिया। ओ भाई फेल गया, फेल गया, फेल गया, फेल गया, फेल गया। ओ ये आ गया साला यार, बड़े हरामी बंदे यार, बताओ। एक तो पैसा लेके भाग जाते हैं, उल्टा पैसा भी नहीं देते हैं, कितने हरामी बंदे यार, कितनी गलत बात है इनकी। तो चलो यार बाकी कस्टमर का भी वेट कर लेते हैं। भाई ये वाले कस्टमर हमारे आ गए हैं, ये रही हमारी मशीन, ये बैठे हमारे कस्टमर, देख रही है भाई साहब जोर नब देख रही है मैडम, फोन नब की जगह भी ठीक है। तो भाई अभी कैफे में बहुत सारे कस्टमर आ रखे हैं, और देख रहे हो यार गंदगी, देख रहे हो दुनिया भर की सालों ने इन्होंने गंदगी कर दी। भाई कोई बात नहीं यार, अपना कैफे अपने, हमें तो सफाई करनी पड़ेगी यार, अपने काम में क्या असर माना। तो भाई ये भाग गया है, और आई थिंक ये वही वाला बंदा था भाई जो वहाँ पे आर्केड मशीन पे खेल रहा था उस टाइम पे। और भाई गंदगी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही होगी, मैं सोच रहा हूँ यार आगे चल के एक वर्कर को हायर करूँ जो भाई यहाँ की गंदगी भी साफ कर सके। ऐसा अगर इसमें मिल गया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, अगर इसमें वर्कर वर्कर मिल जाए इस काम के भी, ये खाना बनाने वाला भी मिल जाएगा आगे चल के। भाई ये बंदे खाने भी खाएंगे ना आगे चल के, ये भी तो दिक्कत है ना इनकी, बट ये अच्छी बात है। चलो यार अभी मैं भाई यहाँ की साफ सफाई कर देता हूँ, और ये बंदा चल दिया है अभी। भाई उसको देखो पैसे देगा नहीं देगा, देगा भाई देगा, वैसे तो ये लुगाइयों की चाल में चलता है साला जो भी है। तो भाई इसने मुझे $61 दिए हैं, वैसे इतने ज़्यादा तो कुछ नहीं दिया, इतना तो इम्पोर्टेंट भी नहीं था ये। मैंने ये $28 वाले को फेल दिया था, ये तो फिर भी $61 दे के गया है, बहुत अच्छी बात है इसकी बंदे की। तो अभी मैं भाई पोछे को लगाता हूँ साइड में, और मैं दूसरे कस्टमर का भाई वेट कर लेता हूँ आने का, ताकि वो आए और मुझे और थोड़ा सा पैसा अच्छा खासा दे के जाए। अभी बंद नहीं कर रहा हूँ यार, मैं बंद कर दिया होता अभी। अभी तो मैडम बैठी है बड़ी ध्यान से गेम खेल रहे हैं भाई वो। यार मैं इसमें गेम सोच रहा हूँ अगले वाले जो पीसी बड़े वाले रखूंगा ना, मैं सोच रहा हूँ यार गेम रख लूँ अच्छे खासे, क्योंकि गेम की काफ़ी कमी है यार। हाँ भाई गंदगी तो हो रखी थी, मैंने साफ कर दी, इसलिए तो साफ करी है। अरे इधर आ, इधर आ, इधर आ, ये चोर देखा साला कितना हरामी चोर है ये। चलो भाई ये चला गया, मैं सोच रहा था भाई इसी को सोच रहा था, मगर ये अंदर ना आ जाए इसलिए मैं रुका हुआ था काफी टाइम से। तो अभी भाई रिक्वेस्ट आएगी और क्या आएगा अभी ये तो नहीं पता वो किस पे गया है। तो भाई वो खेल रहा है आर्केड मशीन पे, उसने भी $120 दिए, और हमारे भाई वापस से $2800 हो गए हैं। तो भाई एक बंदा आया जो 30 मिनट के लिए बैठा है। वाह यार मैं एक चीज सोच रहा हूँ कि यार तो मैं अपनी क्रिप्टो को भी चेक कर लेता हूँ, और मैं एक और आर्केड मशीन खरीद लेता हूँ, उससे ना मुझे काफी बेनिफिट होगा। $54 ही तो है यार, अभी कहाँ पैसा हुआ है मेरे पास। और ये था भाई वे बॉम्ब स्क्वाड वाले जो वहां पे जाके भी फट गए अपने वहां पे उस बंदे के उससे। हेलो कहाँ जा रहे हो जी भाग के, है जी। ओ भाई मैडम चल दी, ओ मैडम चल दी, मैडम चल दी, मैडम चल दी, मैडम जी पैसे तो दे दो, मैडम जी पैसे, मैडम जी तुम्हारी बहन को नमन। ओ मैडम जी पैसे दे दो, मैडम तुम्हारी इसकसी, $29 लेके कहाँ जाओगे तुम, है छोटे छोटे कपड़े पहन के क्या समझ रही। ओ भाई ये देगी, ये पैसा देगी, ये पैसा देगी, देखो कितना देती है। दो भाई ने $235 दिए, ये काफी देर के लिए बैठी थी और इसने मुझे काफी अच्छा बेनिफिट करवा दिया फिलहाल। और अभी भाई मैं देख लेता हूँ मेरी क्रिप्टो कितनी थी। चलो क्रिप्टो छोड़ो, पहले मैं भाई एक और आर्केड मशीन खरीद लेता हूँ, उसका दे लेता हूँ भाई ऑर्डर। वैसे चाहता तो मैं दो खरीद लेता इकट्ठी, तो मेरे पास तीन हो जाती तो एक बार के में $360 आया करते, बट इट्स फाइन। उसके लिए मुझे भाई जगह का होना भी मेरे पास में जरूरी है, 1700। और भाई मैं अपनी क्रिप्टो को भी चेक करूंगा, ओके भाई ये तो आर्केड पे गया बंदा। चलो यार कोई बात नहीं, फिलहाल तो ये बंदा खेल रहा है, इस पे खेलने दो यार इसको थोड़ी बहुत देर बेचारे को। तो भाई जहाँ तक हमारा ऊँट ऊँट आगे चला गया होगा, जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो भाई ऊँट आगे चला गया हमारा, ये रही मशीन, बाहर हो गया, बारिश हम हो गए भाई गीले, अंदर चलते हैं इसको वापस से रखते हैं। क्योंकि भाई पता है इसमें एक फायदा हो जाएगा मेरा इस मशीन को रखने का, कि साला मुझे ना इससे बेनिफिट काफी अच्छा होगा। $240 तो मेरे एक झटके में आ जाएंगे, और मैं इसको याद नहीं रख सकता क्योंकि भाई वो रखी हुई है। तो चलो भाई इसका सेटलमेंट कर देते हैं जब तक। और वैसे यार भाई इसकी साइड में ये ज़्यादा अच्छी लगेगी, ये देख रहे हो इसी के साइड में ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, दोनों मशीनें वैसे लग गई हैं। और भाई मैंने कर दिया है इतना सब कुछ तो अपग्रेड वैसे, और मैं थोड़ा सा ये भी सोच रहा हूँ कि भाई कैफे को कर देता हूँ बंद फिलहाल के टाइम पे, और भाई अपना यहाँ से, हाँ भाई हमारी टेक्नोलॉजी 20 साल पीछे है साढ़े, इसे भाई थोड़ा अपग्रेड कर देता हूँ। मैं सोचा भाई सीलिंग को कर लेता हूँ इस बार, तो चलो भाई सीलिंग वाले पोर्शन में चल के सीलिंग को थोड़ा अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा भाई हमारा, तो मैं वेट कर लेता हूँ भाई कि देखो कौन सी ज़्यादा और प्यारी लग रही है। तो ठीक है भाई हमने रेड वाली को कर दिया सेलेक्ट, और ये देखो भाई दीवारों का कलर और उसका कलर भाई क्या गजब का मैच कर रहे हैं ना। वैसे मैं सोच रहा हूँ इस कलर को पूरा दीवार से पूरा ऊपर तक कर दूँ छत तक, उसके बाद फिर मैं फ्लोर का भी कलर बदल दूंगा भाई, ताकि ये हो जाए तेरी बहन को नमन, जरा तेरी हंसी की तस्वीर साढ़े, जरा बटी चोदा दूंगी।
तो ठीक है यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और भाई आप लोग जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट से, और नई नई वीडियोस का लुत्फ उठाओ। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।